लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। दिनों से दिन और रात मेरे ताल्लुक से जो भी मीडिया में खबरें दिखाई जा रही है उसे एक ऐसा भ्रम तैयार किया जा रहा है मानो मैं देश विरोधी हूँ और दूसरे धर्म विशेषकर हिंदू धर्म के लोगों के खिलाफ। 25 फरवरी को कर्नाटका के गुलबर्गा शहर में CA और NRC के खिलाफ एक जलसे में मैंने जो कहा कि हम 15 करोड़ 100 पर भारी हैं, उसका कतई ये मतलब नहीं होता कि मैं हमारे देश के हिंदू भाइयों के खिलाफ में ये जुमला था, बल्कि मेरे बोलने का मकसद बस इतना था कि CA के नाम पर 15 करोड़ मुसलमान नाराज हैं। साथ ही संविधान में विश्वास रखने वाले दूसरे धर्म और जाति के लोग भी शामिल हैं, विरोध कर रहे हैं। झांसी की रानी की तरह हमारी शेरनी जैसी बहनें आज 1.5 महीने से सड़क पर बैठकर अपना विरोध जता रही, फिर भी इस देश के महज 100 लोग ही ऐसे हैं जो 15 करोड़ मुसलमानों के खिलाफ साफ दिखाई दे रहे हैं, चाहे फिर वो RSS के हो, BJP के हो, बजरंग दल के हो या अन्य किसी पार्टी या संगठन के हो। मैंने इन्हीं की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि हम 15 करोड़ ये 100 पर भारी है, ये वो 100 लोग हैं जो इस खूबसूरत से महान देश में जो लोग एक कानून लाकर बांटना चाहते हैं, उसमें कुछ पत्रकार भी है जो रोज रात प्राइम टाइम में अपने आप को सबसे बड़ा देशभक्त बताने का दावा करते हैं और रोज एक छोटी सी बात को अपने एजेंडा के हिसाब से तोड़ मरोड़ कर देश को बहकाने उमड़ा करने का काम करते हैं। मैंने पहले भी कहा था मुझे अपने इस भारत देश पर गर्व है, मैं एक सच्चा मुसलमान हूं जिसके मजहब में अपने मुल्क से मोहब्बत और वफादारी का सबक हमें बचपन से सिखाया जाता है। I am a true Indian Muslim एंड नो वन कैन चैलेंज और रेज क्वेश्चंस अबाउट माय लव एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स दिस ग्रेट नेशन एंड द पीपल हु लिव हियर, whether they are Hindus, Dalits, Sikhs, Parsis or anyone. मैं कभी भी किसी धर्म की आलोचना नहीं की है, मैंने सभी धर्मों का आदर किया है और करता हूं और इन धर्मों के मानने वालों की इज्जत करता हूं। The beauty of this great nation is pluralism and हमारे आपस में मुद्दों पर विवाद हो सकता है और लोकतंत्र में ये होना भी चाहिए, जिसका अधिकार हमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने दिया है। मैं एक बार फिर से साफ कर देना चाहता हूं कि मैंने ऐसा कोई बात नहीं की जिसका मतलब गलत तरीके से निकालकर मुझे निशाना बनाया जा रहा है। इसमें राजनीतिक षड्यंत्र के जरिए मुझे और मेरी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इसके बावजूद अगर मेरे किसी शब्द से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, सिर्फ इसीलिए कि मैं इस देश का एक सच्चा नागरिक हूं और गर्व करता हूं अपने आप को भारतीय कहने पर। जय हिंद। स्क्रिप्ट जो है पार्टी की तरफ से आई आपके अल्पाज किसी की भावना को अगर हर्ट हुआ तो वाजपेयी आप अपोलोजाइज कर रहे हैं क्या? माफी मांग रहे हैं? माफी मांग रहे हैं क्या? क्या तो बाद में आके आप माफी मांग रहे हैं जिस तरीके से मीडिया और मैंने आपको स्टेटमेंट दे दिया है। माफी मांग रहे हैं क्या? आप स्टेटमेंट को वितर्क आपको जो समझने का है, बारिश पठान ने बड़े साफ शब्दों के अंदर कह दिया है कि ये उनके शब्द वापस ले रहे हैं एंड हम आप सभी लोगों से अनुरोध करते हैं इस देश के अंदर और भी बहुत गंभीर विषय है, उन विषयों के ऊपर आगे हम चर्चा करेंगे, देश को आगे बढ़ाने के लिए हम चर्चा करेंगे। इस मुद्दे को अब हम यही खत्म करते हैं हमारी तरफ से, आपको जहां तक चलाना है आप चला सकते हैं। लेकिन 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 लेकिन